सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने फ़ोन में आप सेफ्टी नेट को कैसे पास कर सकते हो। जब भी कोई कस्टमर आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे जब आप आके यहाँ पे चेक करते हो तो सेफ्टी नेट आपका फेल दिखाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से शो कर रहा है। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो गाइज, ये जो मैथड है ये मी अटोल के लिए मैं बता रहा हूँ। आई होप कि ये सारे डिवाइसों में वर्क करेगा। अगर आप टेस्ट करोगे तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सारे डिवाइसों में वर्क करेगा, बट मैंने अभी मी अटोल वर्जन पे ही सिर्फ चेक किया है। मी अटोल मतलब रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 एस, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स एंड पोको एम 2 प्रो, इन चारों डिवाइसों पे ये पक्का वर्क करेगा एंड 100% आपका सेफ्टी नेट एंड CTS प्रोफाइल आपका पास हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे ये फेल्ड है अभी। तो यहाँ पे आपको इसको करने के लिए आपको पहले दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। देन आपको अपने फ़ोन में टर्मक्स को इंस्टॉल कर लेना। जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे टर्मक्स को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मैजिक मैनेजर को ओपन करना है। देन आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। देन आप यहां पे आओगे तो आप देख सकते हैं यहां पे मैजिक हाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसको यहां पे इनेबल कर दोगे। ठीक है गाइज, ये मेथड एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10 दोनों के लिए, ठीक है, तो आप दोनों पे इसको अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहां पे जो है इनेबल कर दिया है। देन आपको बैक जाना है, उसके बाद गाइज यहां पर आना है इस जगह पे, एंड यहां पे आप देख सकते हो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज दिखा रहा है। सो इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे मैं फाइल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैजिक्स हाइड प्रॉप्स को इंस्टॉल कर लेना। इसकी और इसकी दोनों की फाइल आप दोनों फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिबूट कर लेना है डिवाइस को। ओके गाइज, रिबूट करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे डिवाइस को मैं रिबूट हो जाने देता हूँ। सो गाइस, रिबूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, तो हम रिबूट हो चुके हैं गाइस। देन अब अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम, एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ पहले। ओके, सो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर आएंगे, देन आप देख सकते हो कि मैजिक हाइड प्रॉप्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने टर्मक्स में जाना है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा स्क्रीन आगे करके। यहाँ पे आपको टाइप करना है SU, ओके, एंड देन इंटर हीट कर देना है। सो यहाँ पे आपका जो है परमिशन मांगेगा, तो परमिशन आपको ग्रांट कर देना है। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है मैं दिखा देता हूँ आपको, आई थिंक दिख ही रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप्स, ओके गाइस, देन यहाँ पे इंटर हीट कर देना है। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ओपन हो गया है। अब आपको सबसे पहला वाला नंबर टैप करना है 1, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 टाइप कर दिया मैंने, फिर इंटर हीट करना है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पिक आ सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको F क्लिक करना है। ठीक, तीन यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 7 नंबर को चूज़ करना है, ठीक है, गूगल वाला 7 नंबर, देन इंटर हीट कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको 22 नंबर सेलेक्ट करना है, 22 आप देख सकते हो यहाँ पर, इस 22 को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए आपसे ये पूछेगा यहाँ पर, यहाँ पे ये पूछ रहा है एंड्रॉयड वर्जन 10, एंड्रॉयड वर्जन 11, ठीक है, तो आपका जो भी वर्ज़न होगा एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे। अगर आपका एंड्रॉयड 10 है तो आप यहाँ पे 1 टैप करोगे, अगर आपका एंड्रॉयड 11 है तो गाइज यहाँ पे आप 2 को टैप करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो है इंटर हीट कर दोगे। ठीक, अभी यहाँ पे ये पूछ रहा मेक श्योर दैट इज़ करेक्ट बिफोर कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसको वाई कर दोगे, उसके बाद इंटर हीट कर दोगे। फिर अभी यहाँ पे वॉकिंग ले रहा है, ठीक, अब यहाँ पे ये रिबूट करने को कह रहा है, तो आप फिर से रिबूट करोगे डिवाइस को, फिर यस कर दोगे।
तो अभी गाइज ये जो है रिबूट होगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पॉज करने वाला हूँ। जब ये रिबूट हो जाएगा फिर आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ओके गाइज, ओके गाइज, तो रिबूट हो रहा है डिवाइस। ओके, तो हम रिबूट कर चुके हैं कम्प्लीटली। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है दोबारा से मैजिस को ओपन करना है। यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। अब फिर से आपको मैजिस में जाना है, देन यहाँ पर आना है, देन इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज। ओके, उसके बाद आपको ये मॉड्यूल को फ्लैश कर देना है, सेफ्टी नेट फिक्स। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन ये फ्लैश कर देगा। देन आपको दोबारा से अगेन आपको रिबूट करना है, ठीक। तो गाइज आपको इसमें 2 से 3 बार रिबूट तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ करना है। फिर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अभी रिबूट हो जाए डिवाइस, फिर मैं बताता हूँ गाइज। ओके गाइज, तो हमारा डिवाइस रिबूट हो गया है, फिर हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओके गाइज, ये ब्राइटनेस बार बार ज़्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मैंने कर्नल इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। अभी इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो ब्राइटनेस बार बार तेज़ हो जा रही है जब मैं डिवाइस को रिबूट कर रहा हूँ। तो ओके, सो ये हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब फिर से हम मैजिस को खोलेंगे, देन यहाँ पे सेफ्टी नेट को चेक करेंगे, एंड देन बूम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सक्सेस हो चुका है। सो गाइज, इस तरीके से आप लोग को करना है, इस तरीके से आप जो है इसको सक्सेस कर सकते हो। तो गाइज़ ये चीज़ हो गया है। अभी देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इस चीज़ पे आना है, देन यहाँ पे मैजिस हाइट के अंदर जाना है, ठीक। उसके बाद आपका जो भी बैंकिंग ऐप्स है, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, एंड सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फ़ोन पे पे आपको इस तरीके से टिक कर देना है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे इसको टिक कर देना है, एंड यहाँ पे गूगल पे है। अगर यहाँ पे आपके शो नहीं हो रहे हैं तो आप जो है यहाँ से आएंगे, इस पे आएंगे, देन यहाँ पे इस पे आएंगे, देख सकते हो यहाँ पर, इस पे शो सिस्टम ऐप्स, इस पे क्लिक कर दोगे आप। ओके, देन आपके सिस्टम ऐप्स यहाँ पे शो होने लगेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है, तो फ़ोन पे टिक कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम गूगल पे को टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे फ़ोन पे और गूगल पे टिक हो चुका है। नाउ आप अपने बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है गाइज, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर से करूँगा यहाँ पर। सो ये जो मेथड है, मैंने सिर्फ मी एटोल वर्जन में गाइज जो है यूज़ किया है, तो उसी लिए मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जो चारों फ़ोन है उसमें ये चीज़ फिक्स हो जाएगा। बट अदर फ़ोनों के लिए मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, आई थिंक मे बी ये हो जाए, आप लोग के डिवाइस में फिक्स हो सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, बाय बाय।